Assalamualaikum guys, it's me Sara and you are watching my YouTube channel Food Delight with Sara. Assalamualaikum viewers, आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्विक झटपट बनने वाली रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए सिर्फ दो मसालों की ज़रूरत है, काली मिर्च और नमक। और एक इंग्रेडिएंट हमें चाहिए, वो है पटाटोस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3 अदद आलू लिए मीडियम साइज़ के, उसको अच्छी तरह से पील ऑफ करके धो लिया था। 1 अदद हमें क्रशर चाहिए, इस तरह का क्रशर अगर आपके घर में अवेलेबल है, वरना कद्दूकस भी होता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड के स्लाइसेस चाहिए। 1 टेबलस्पून हमें ब्लैक पेपर चाहिए, 1/2 टेबलस्पून हमने सॉल्ट लिया है, साथ में 2 से 3 टेबलस्पून हमें केचप चाहिए या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। मसालों की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप चाहे तो इसमें और मसाले भी ऐड कर सकते हैं। अगर तो आप क्रशर के साथ इजीली कर सकते हैं तो उस तरह से कर ले, वरना ये कद्दूकस भी हर घर में मौजूद होता है, उस तरह से आप कद्दूकस की मदद से आलूओं को इस तरह से क्रश करेंगे। और ये आप देख सकते हैं, ये सारे आलूओं को हमने कद्दूकस कर लिया है या क्रश कर लिया है। एक अदद फ्राई पैन लिए, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ऑयल को इवनली सेपरेट कर देंगे। थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें जो क्रश किए हुए आलू हैं उसको डाल देंगे और 10 मिनट तक इसको पकाना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे और चम्मच को कंटिन्यूसली हिलाते चले जाना है। ये बहुत ही क्विक और झटपट बनने वाली रेसिपी है सैंडविचेस की, ज़्यादा टाइम भी नहीं इसमें लगता। और ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं हर घर में मोस्टली अवेलेबल होते हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये किट स्पेशल है तो इसलिए इसमें सिर्फ ब्लैक पेपर और नमक ऐड किया है। अगर आप चाहें तो इसमें रेड चिली या सॉस वगैरह भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं तो ब्लैक पेपर और नमक ये दोनों चीज़ें इनफ है। इनके साथ बहुत अच्छा एक टेस्ट आता है। लेकिन अगर आपको लगे कि ये मसाले थोड़े से फीका फीका बनेगा तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं मसाले, लेकिन आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अच्छा व्यूवर्स, यहाँ पे मैं बताती चलूँ, अगर आप में से कोई हमारे चैनल पे नया है तो वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आप तक इजीली पहुँच सकें और आप देख सकें, और ये टोटली फ्री है। आप इन सैंडविचेस को नाश्ते में बना सकते हैं, बच्चों को लंच में बना के दे सकते हैं, टिफ़िन बॉक्स में बना के दे सकते हैं। जैसे मैंने केचप का इस्तेमाल किया है तो आप इसमें सॉस भी ऐड कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, ग्रीन सॉस भी ऐड कर सकते हैं, मायोनीज भी ऐड कर सकते हैं। मतलब ये टोटली आप पे डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह से सैंडविच की ड्रेसिंग करते हैं। और मसाले भी आप चाहें तो इसमें और मसाले ऐड कर सकते हैं, क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हमने 10 मिनट तक पकाना है अच्छी तरह से। जब आलू पक जाएंगे तो हम फिर इसके अंदर नमक और ब्लैक पेपर को ऐड करेंगे और अच्छी तरह से चम्मच की मदद से उसको मिक्स करेंगे, इवनली सेपरेट करेंगे, फिर इसको निकाल देंगे, डिश आउट करेंगे।
यहाँ पे आप देख सकते हैं नमक ऐड कर दिया मैंने। ये ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, आप चाहें तो इसी तरह से मटेरियल तैयार करके ब्रेड को गरम किए बगैर ब्रेड के अंदर डायरेक्ट मटेरियल डाल के आप इसको सैंडविच मेकर में भी लगा सकते हैं, उस तरह से भी आप सैंडविचेस बना सकते हैं। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह से इसको बनाते हैं। मटेरियल हमारा रेडी हो चुका है। अब इसी पैन के अंदर हम ब्रेड के स्लाइसेस को थोड़ा सा गरम करेंगे, अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे। ये देखें स्लाइस को हमने अब केचप लेंगे और केचप को पूरे स्लाइस पे इवनली स्प्रेड कर देंगे। आप चाहें तो केचप की जगह मायोनीज भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, आपको जो चीज़ ज़्यादा पसंद है। लेकिन हमारे घर में ज़्यादातर इसी तरह से ही बनाए जाते हैं ये सैंडविचेस, तो हम केचप का ही इस्तेमाल करते हैं और ये केचप के साथ ज़्यादा मज़े के लगते हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से मटेरियल रेडी हो चुका है, तो इसलिए इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि हमने इसमें ब्लैक पेपर डाला था। और ये देखें इवनली स्प्रेड कर दी है। इसी तरह से दूसरे स्लाइस पे भी केचप लगाएंगे। ये बहुत ही क्विक और झटपट बनने वाले सैंडविचेस हैं और ये देखें सैंडविच हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरह से बाकी सब भी लगा के आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। और ये है जी फाइनल लुक। सिर्फ 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए और उनको ही हमने यूज़ करते हुए इतने ज़्यादा सैंडविचेस बना लिए। और ये देखें ये कट करके दरमियान से मैंने आपको दिखाया है। ये टेस्ट में भी बहुत मज़े का होता है, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होता, बच्चों के लिए तो ये बहुत बेस्ट है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसी लगी रेसिपी। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई हो सो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।